हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं क्लेश। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि हम पानी से ऑक्सीजन गैस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हम ये जानते हैं, ये पता करते हैं कि हवा से हम ऑक्सीजन गैस को कैसे निकालते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस हम पानी से कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने इस प्रोसेस का नाम भी लिख दिया है। देखिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इसको बोलते हैं। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो हम क्या क्या डालते हैं, क्या क्या लगाते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इस फिगर को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए, ये जो बॉडी है ये एक कंटेनर बॉडी है। ठीक है, इस कंटेनर बॉडी में दो होल हैं। ठीक है, आपको दो होल यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ये एक होल कनेक्टेड है एक और बॉडी से। ठीक है, ये तो ये जो सेटअप है ये कुछ इस तरह से सेटअप है। ये सब जो बाहर की बॉडीज़ हैं ये सब किसी भी मेटल का आप रख सकते हैं या प्लास्टिक बॉडी रख सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप बना सकते हैं, कोई भी सामान ले सकते हैं। उसके अंदर हम ये जो है ये चीज़ें हैं हमारी पानी प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी पानी के साथ हम थोड़ा सा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH मिला देते हैं। उसके बाद ये जो रॉड दिख रही है ये रॉड है आपकी एनोड। एनोड का मतलब आप इस पॉइंट पे आप कोई कील लगा सकते हैं। कांटी जो होती है ना, कील बोलते हैं, जो दरवाजे में या दीवार में ठोकी जाती है, वही कील यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अंतर क्या है, इसको तार से हम जोड़ते हैं दोनों पोर्ट को, माने दोनों जो कील होंगी या आप जो कार्बन रॉड होती है सेल के अंदर पाया जाता है, जो टॉर्च के अंदर सेल लगता है ना, ऐसा ऐसा वाला सेल, इसके अंदर रॉड होती है ना एक, वो कार्बन रॉड भी हम यहाँ लगा सकते हैं। तो दोनों में से चाहे आप कील लगा लीजिए चाहे कार्बन रॉड लगा लीजिए, जैसी आपकी सुविधा हो। ठीक है, तो इसमें से एक को हम जोड़ते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी लगाएंगे। बैटरी हम कोशिश यही करिएगा, अगर आप ऐसा सर्किट तैयार करते हैं तो 9 वोल्ट की या 12 वोल्ट की बैटरी हो, छोटी वाली, ऐसे छोटी सी बैटरी आती है जिस 9 वोल्ट की आती है। ठीक है, और 12 वोल्ट की भी आती है, दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसी ही आती है। ठीक है, तो वो बैटरी हम लेंगे और जो ये वाला पॉइंट है, एक बार मैं फिर से इसको दिखाता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो ये हमारा एनोड बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हम जोड़ेंगे निगेटिव से तो ये हमारा कैथोड बन जाएगा। ठीक है, अब जो जैसे ही जोड़ेंगे हम बैटरी से, बैटरी ऑन होगी तो यहाँ पे प्रोसेस होगा, कैथोड वाला जो रॉड होगा ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा और यहाँ से रिलीज करेगा, और एनोड वाला जो रॉड होगा वो यहाँ से ऑक्सीजन गैस को यहाँ से पानी से सेपरेट करेगा और इस पॉइंट से बाहर निकालेगा। ठीक है, अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि हम ये कैसे पता करें कि ये हाइड्रोजन ही निकल रहा है या ये ऑक्सीजन गैस निकल रही है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम एक जांच करते हैं। देखिए, अगर हमको हाइड्रोजन की जांच करनी है तो हम क्या करेंगे, जहाँ से ये गैस निकल रही है यहाँ पे हम माचिस की तीली लाएंगे तो एक पॉप साउंड से पॉप की आवाज़ होगी और आग जो है बहुत तेज़ी से जल के बुझ जाएगा। और जब हम किसी जलती हुई मोमबत्ती को ऑक्सीजन के पास लेके आएंगे, यहाँ से जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है यहाँ पे लेके आएंगे, तो वो मोमबत्ती जो है वो और तेज़ी से जलने लगेगी, मतलब वो और ब्राइटन हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये ऑक्सीजन गैस है। तो इस तरह से कोई भी सेटअप बना के आप ऑक्सीजन गैस को पानी से अलग कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेशियो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनने का, वो रेशियो होता है 2:1 कह लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1:2 में लिखा है, लेकिन इसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर पूछें तो 2:1, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो 1:2 कहा जाएगा। तो इस रेशियो में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनते हैं, इसका जो रिएक्शन होता है वो भी देख लीजिए। देखिए, जो रिएक्शन इसमें होता है वो कुछ ऐसा होता है,
H2O होता है, 2H2O। ये जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है उससे जब टूटता है तो ये बनता है पहले 2H2O और यहाँ पे बनता है फिर O2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 बन रहा है और ऑक्सीजन के सामने कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 ऑक्सीजन है। तो ये रेशियो जो है 2:1 का बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 बनेगा तब जाके ऑक्सीजन कहीं 1 बनेगा। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक आप समझ पाए होंगे कि पानी से ऑक्सीजन को हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें जोड़ के हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गैस पानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।